हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अड्डा 24/7। मैं हूं अंकित चौधरी। 12 बज चुके हैं, पॉलिटिकल सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। जो जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया चल रही होगी। एक बार सेशन तेजी से शेयर कर दीजिएगा, सबको बता दीजिए। हालांकि थोड़ा सा डिले हुआ है। अब वो डिले क्यों हुआ है उसके बारे में भी अभी बता दूंगा। थोड़ा आज मैं लेट हो गया हूँ आने में। लेट क्यों हुआ हूँ मैं वो भी आपको बता दूंगा। आप ही के लिए, आप लोगों के लिए ही बात कर रहा था मैनेजमेंट से किसी चीज़ की, वो काम हुआ तो फिर मैं आ गया क्लास लेने के लिए। जैसे ही कन्फर्मेशन मिली है, कन्फर्मेशन मिलते ही मैं आपके साथ जो है जुड़ गया हूँ। तो जरा थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि आज क्या स्पेशल आपके लिए लेकर आया हूं मैं, वो मैं बता दूंगा। चलिए, प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे हम, राष्ट्रपति जो है उनकी बात कर रहे थे। राष्ट्रपति की शक्तियां जो है उनके बारे में डिस्कशन चल रहा था, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उसी को आगे बढ़ाना है। हमने एग्जीक्यूटिव पावर देख ली थी, हमने कार्यकारी शक्तियां क्या होती है एक राष्ट्रपति की वो देख ली थी। आज उससे आगे करना है, आज हमें उससे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि हमारा मॉर्निंग बैच, यूपीएससी सीएससी का मॉर्निंग बैच, कंप्लीट बैच है, फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स मेंस सबकी तैयारी होने वाली है, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप गाइडेंस, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगी। जो एडमिशन लेना चाहता है, काम क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है, Y365 टाइप कर दोगे तो ये बैच आपको सस्ते में मिल जाएगा। और आज मैं आपसे ये बैच लेने के लिए नहीं कहूंगा, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूं, वो मैं आपको सेशन में आगे चलकर बताऊंगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो आज ये बैच परचेज करने को नहीं कहूंगा, आज मैं आपको कुछ स्पेशल प्रोवाइड करने वाला हूं। तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, सेशन में आगे बढ़ के आपको सब बताने वाला हूं। चलिए भाई, तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने कार्यकारी शक्तियां क्या होती है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है वो हमने देख ली थी, कि एक राष्ट्रपति की अपनी कार्यकारी शक्तियां क्या होती है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है वो देख लिया था। आज जो हमें डिस्कस करना है वो है विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। क्या डिस्कस करना है बच्चे? विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर हमने सारी कवर कर ली, आज बात करने वाले हैं विधायी शक्तियों की। और विधायी शक्तियों के बाद बात करेंगे फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, अभी मैंने बताया नहीं है इन्हें, थोड़ा आगे चल के इन्हें सरप्राइज दूंगा कि किस वजह से मैं 5 मिनट आज लेट हुआ था। आपके लिए बात करके आया हूँ, किसी चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो सेशन में आगे चल के बता दूंगा। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए भाई, विधायी शक्तियों की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं। सबसे पहले तो कल मैंने आपको एक बात समझा दी थी, जब हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, जब हम बात करेंगे संसद की, तो संसद में कौन कौन आ जाता है? संसद में जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, और भारत के राष्ट्रपति, तीनों संसद का अंग माने जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको समझाया था। अगर एक बिल को आपको कानून की शक्ल देनी हो, एक बिल को लॉ में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करना पड़ता है आपको? उसे लोकसभा से, राज्यसभा दोनों से पास कराना पड़ता है। और दोनों से पास कराने के बाद वो बिल कहां जाता है? वो बिल जाता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। और जब भारत के राष्ट्रपति, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर अपने साइन कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, उसके बाद ही वो बिल क्या बनता है? वो कानून की शक्ल लेता है, वो कानून माना जाता है। तो इसी वजह से संसद का मतलब क्या, पार्लियामेंट का मतलब क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और देश के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, इसके आगे हम आ गए थे। फिर हमने देखा था समनिंग। समनिंग मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर कितने सत्र होते हैं, कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट के? आमतौर पर 3 सत्र 3 सेशन होते हैं पूरे साल में, 3 सत्र होते हैं। क्या यह संविधान में दिया गया कि 3 सत्र कराने? संविधान में नहीं दिया गया। संविधान क्या कहता है? संविधान यह कहता है 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? 6 मंथ। याद है ना सबको? कल हमने लास्ट में डिस्कस किया था, सबको याद है? गुड आफ्टरनून एक बार मुझे याद दिला दो, आप सबको याद है ना? हमने ये देखा था आमतौर पर भारत में संसद के कितने सत्र होते हैं, कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं। सबसे पहला होता है बजट सेशन, बजट सत्र, उसके बाद होता है आपका मॉनसून सत्र, और तीसरे नंबर पर होता है शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन। आमतौर पर 3 सत्र होते हैं। और संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है। तो मतलब संविधान में तो ये नहीं कहा गया कि 3 सत्र कराओ। ये एक प्रथा चली आ रही है, ये कन्वेंशन चली आ रही है, जिस कन्वेंशन के अंडर, जिस प्रथा के अंतर्गत 3 सत्र कराए जाते हैं। हमने सारी बातें देख ली थी। ठीक है, तो जब सत्र बुलाया जाता है, जब सत्र को बुलाया जाता है, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं बच्चे? हम इंग्लिश में उसे कहते हैं समनिंग ऑफ द सेशन।
सत्र को बुलाता कौन है, समन कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जब सत्र की कार्रवाई पूरी हो जाती है, जब सेशन का काम पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद सेशन को खत्म कर दिया जाता है। उसको क्या नाम देते हैं हम, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं प्रोरोग कर देना, हिंदी में हम उसे कहते हैं सत्रावसान। प्रोरोग कौन करता है, प्रोरोग भी राष्ट्रपति करते हैं। सत्रावसान कौन करता है, सत्रावसान भी देश के राष्ट्रपति करते हैं। अब मुझे बताओ यहां तक याद है, बोलो यहां तक याद है, बताओ यहां तक सबको याद है। सत्र को बुलाने को क्या कहते हैं, सत्र को बुलाने को कहते हैं समनिंग। समन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। सत्र जब खत्म हो जाता है, सत्र को खत्म करने को क्या कहते हैं, सत्रावसान, प्रोरोगेशन, वो भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। फिर हमने देखा भारत में जो हमारी संसद है उसके दो सदन है, हमारी जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेस है, एक है लोकसभा दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूइंग चेंबर है, वो परमानेंट हाउस है, वो स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता। 1952 में बना था, 1952 से लेकर आज तक वो एज इट इज चला आ रहा है, कभी भी भंग नहीं हुआ। दूसरा वाला जो सदन है लोकसभा निचला सदन, वो भंग होता है, वो भंग हो सकता है, उसे भंग भी कौन करेंगे, उसे डिसॉल्व कौन करेंगे, भंग कौन करेंगे, वो भी करेंगे राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करेंगे, प्रधानमंत्री। ये सब याद है, सब याद है। चलिए भाई, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं इसके आगे। अब देखो, मैंने आपसे ये कहा था कि कानून बनाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है, कानून बनाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। शुभांकर जी, ये पार्लियामेंट का सेशन, पार्लियामेंट वाली क्लास नहीं है, वो पार्लियामेंट में सब बताऊंगा। अभी यहां पर जितना आएगा केवल उतना बताऊंगा, पार्लियामेंट वाली क्लास में ये सारी बातें बताऊंगा कि पार्लियामेंट कब बुलाई जाती है, कौन बुलाता है, कैसे बुलाता है, वो सारी बातें तब बताऊंगा, ठीक है। चलिए भाई, अब मैंने आपको बताया था बिल जो होता है वो कानून कैसे बनता है, बिल कानून कैसे बनता है। आप बिल लेकर आते हो, कहां लेकर आते हो, बिल को लाते हो संसद में, कहां पर लेकर आते हो, संसद में लेकर आते हो। संसद का मतलब क्या है, लोकसभा राज्यसभा दोनों। आपको बिल को दोनों सदनों से पास कराना पड़ेगा, दोनों सदन से पास करने के बाद ही वो बिल कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब दोनों सदनों से बिल पास हो जाएगा उसके बाद ही वो कहां जाएगा, उसके बाद ही वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। क्लियर है इतनी बात। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सदन जो है वो किसी बिल को लेकर आपस में एकमत ना हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है किसी बिल को लेकर दोनों हमारे जो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, इनके बीच में एक आम राय ना बने, ये भी तो हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में तो फिर वो बिल पास ही नहीं हो पाएगा। अगर किसी बिल को लेकर दोनों सदनों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट है, वो दोनों उस बिल को लेकर एकमत नहीं हो पा रहे हैं, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है संयुक्त सत्र का, जॉइंट सेशन, जॉइंट सिटिंग का। किसका किया गया है, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन किया गया है। कहां किया गया है, आर्टिकल नंबर 108 में, ठीक है, याद रखिएगा। एक बिल को दोनों सदनों से पास कराना पड़ता है, एक बिल को दोनों हाउसेस से पास कराना पड़ता है, लोकसभा राज्यसभा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को लेकर डिसएग्री हो जाए, वो उसे लेकर एकमत ना हो, उनमें डिसएग्रीमेंट हो जाए। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, ऐसी सिचुएशन में उस बिल को पास कराने के लिए संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां किया गया है, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन कहां है, वो किया गया अनुच्छेद 108 में। यहां तक क्लियर हुई बात, यहां तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग भी भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। सबसे पहली तो यह बात याद रखना कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। कहां दी गई है, 108 में दी गई है, बात क्लियर। अब आ जाते हैं थोड़ा ज्वाइंट सिटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। जब संयुक्त बैठक की बात हो ही गई है तो ज्वाइंट सिटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, अब याद रखना जो जो मैं बता रहा हूं ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, बस आपको ये याद रखना, ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूं बस ये याद रखना, बाकी कुछ याद मत रखना। सबसे पहले ज्वाइंट सिटिंग कहां दी गई है, 108 में दी गई है, आर्टिकल नंबर 108 में दी गई है। कौन बुलाता है, भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं।
किस बिल के केस में बुला सकते हैं? वो बुला सकते हैं या तो ऑर्डिनरी बिल हो, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक, या फिर फाइनेंस बिल हो वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल हो वित्त विधेयक। ठीक है, फाइनेंस बिल के बारे में दिया गया 117 में। फाइनेंस बिल के बारे में आगे चल के बात करेंगे जब पार्लियामेंट वाला हमारा चैप्टर आएगा, संसद वाला, वहां पर बिल्स की बात करेंगे, कौन कौन से बिल होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वहां पर इसकी बात करेंगे। वित्त विधेयक क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, और ये मनी बिल से कैसे अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 108 के तहत बुलाया जा सकता है। कौन बुलाता है? भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। कब बुलाते हैं? ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंस बिल के केस में। मनी बिल के केस में कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। क्यों नहीं है? मनी बिल के केस में जो शक्ति है वो लोकसभा के पास है, और क्योंकि शक्ति लोकसभा के पास है इस वजह से राज्यसभा मनी बिल को नहीं रोक सकती, तो वहां पर डिसएग्रीमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वहां पर एक मत एक राय होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शक्ति किसके पास है उसके केस में? वो है लोकसभा के पास। हमने संविधान संशोधन विधेयक के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वहां पर हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को दोनों हाउसेस को अलग अलग बैठ के पास करना पड़ता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में भी ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। केवल किसके केस में है प्रावधान? केवल और केवल ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक फाइनेंस बिल। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो याद रखिएगा ज्वाइंट सिटिंग 108 के तहत बुलाई जा रही है। कौन बुला रहा? भारत के राष्ट्रपति बुला रहे हैं। किसके केस में बुला रहे हैं? ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक फाइनेंस बिल के केस में बुला रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर? ठीक है, फिर आते हैं इसके आगे, नेक्स्ट बात। ज्वाइंट सिटिंग में होता क्या है? ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य एक साथ मिलकर बैठते हैं, और वो बिल जिसको लेकर डिसएग्रीमेंट था, जिसको लेकर वो आम राय नहीं लेकर आ पा रहे थे, उस बिल के ऊपर संयुक्त रूप से चर्चा करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य एक साथ मिलकर बैठेंगे, और वो बिल जिस पर वो एकमत नहीं हो पा रहे थे, आम राय नहीं बन रही थी, उस पर दोनों मिलकर चर्चा कर लेंगे और फिर उसे पास करेंगे। अब जब सिटिंग होगी, सिटिंग को कोई प्रिजाइड भी तो करेगा, कोई ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता भी तो करेगा ना। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। कभी अगर यह पूछा जाए, ठीक है, अगर कभी यह पूछा जाए ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करेंगे? लोकसभा के स्पीकर करेंगे। क्लियर हो गई बात? अगर लोकसभा के स्पीकर ना हो तो कौन करेगा? तो करेंगे डेप्टी स्पीकर। तो कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, देखिए संयुक्त बैठक हुई, ज्वाइंट सिटिंग हुई, ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहा है? स्पीकर कर रहे हैं। स्पीकर नहीं है, कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है डिप्टी स्पीकर भी ना हो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर भी तो छुट्टी मार सकते हैं भाई, हर कोई मेरी तरह थोड़ी है डेडिकेटेड कि चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, बाढ़ हो, भूकंप आए, सुनामी आ जाए, तबीयत खराब हो, पढ़ाने आए, भाई हर कोई मेरी तरह डेडिकेटेड थोड़ी होता। हमारी टीम में है एक प्रियंका जी है, वो इतनी छुट्टी मारती है मैं आपको क्या बताऊं। कई बार सेशन हमारे लगे नहीं होते हैं, हमारी प्रियंका जी बैकएंड टीम में काम करती, इतनी छुट्टी मारती है क्या बताऊं मैं आपको। तो हर कोई यार मेरी तरह डेडिकेटेड नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन प्रिजाइड करेगा? स्पीकर। स्पीकर नहीं है तो कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर। अगर वो भी नहीं है, अगर वो भी नहीं है तो फिर कौन करेगा? फिर करेंगे ये रब कर दूं, पहले बता दो, ये रब कर दूं जल्दी बता दो मुझे, अगर ये नोट कर लिया तो रब कर दूं। ये रब कर दूं, बोलो जल्दी बता दो यार, ये रब कर दूं, नोट कर लिया, जल्दी बताओ। अरे यार इतने आलसी बच्चे क्या बताओ, मतलब इतनी देर से पूछ जा रहा हूं, रब कर दूं बता ही नहीं रहे, बस बैठे हुए। हाँ कर दो, मर्जी है, जो करना है कर दो। ठीक है, तो अरे सॉरी, हाँ भाई, तो कौन करेगा? स्पीकर। स्पीकर नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर। डेप्टी स्पीकर नहीं है तो कौन करेगा? राज्यसभा के भी तो मेंबर हैं, राज्यसभा के भी तो मेंबर है, तो वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा।
वाइस चेयरपर्सन, जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं वैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, और चेयरमैन के बाद कौन होता है, डेप्टी चेयरमैन होता है। तो वाइस चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा का, राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरपर्सन जो है वो करेगा अध्यक्षता। यहां तक क्लियर हो गई बात? बोलो, यहां तक क्लियर हो गई बात? पहले स्पीकर वो नहीं है, डेप्टी स्पीकर वो नहीं है, तो डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के। अगर वो भी नहीं है, अगर वो भी नहीं है तो कौन करेगा? अब गौर से सुनना मेरी बात। अगर डिप्टी चेयरपर्सन तक नहीं है तो क्या होता है, मेंबर्स, मेंबर्स आपस में से किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं और फिर वो अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगर डिप्टी चेयरपर्सन भी नहीं थे तो क्या होगा, मेंबर्स आपस में से किसी एक को चुन लेंगे और फिर वो अध्यक्षता करेगा। अब बताओ यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अगर यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया तो मुझे बता दो लाइक्स की संख्या इतनी कम क्यों है, बस मुझे इतना बता देना। अगर यहां तक सब क्लियर है तो मुझे यह जरूर बता देना लाइक्स की संख्या इतनी कम क्यों है। ठीक है, तो पहले स्पीकर, स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, वो नहीं है तो डेप्टी चेयरमैन, और वो भी नहीं है तो मेंबर्स क्या करेंगे, आपस में से किसी एक को चुन लेंगे, वो अध्यक्षता करेगा। सब क्लियर हो गया यहां तक? सब क्लियर हो गया यहां तक? जल्दी बताओ, सब क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जो मैं कहूंगा ना वो लिंक अपने दिमाग में बिठा लेना, जो मैं कहूंगा उस लिंक को अपने दिमाग में बिठा लेना। एक बात बताओ, हमने ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करने का मौका किसे दिया? हमने मौका दिया लोकसभा के अध्यक्ष को, उसी को मौका दिया ना हमने। ज्वाइंट सिटिंग जो है उसकी अध्यक्षता करने का मौका किसे दिया? हमने ये मौका दिया हमारी लोकसभा के अध्यक्ष को। तो एक बात बताओ लॉजिकली, लॉजिकली ये जो ज्वाइंट सिटिंग है संयुक्त बैठक है, ये जो ज्वाइंट सिटिंग है संयुक्त बैठक है, इसमें रूल्स किसके अप्लाई होने चाहिए आप मुझे बताओ। हमने ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करने का मौका किसे दिया? हमने लोकसभा के स्पीकर को दिया। तो यहां पर ज्वाइंट सिटिंग जो है इसमें नियम किसके लागू होने चाहिए यह बता दो मुझे, नियम किसके लागू होने चाहिए यह बता दो जल्दी जल्दी मुझे, नियम किसके लागू होने चाहिए यह बताओ जल्दी, रूल्स किसके लागू होने चाहिए लॉजिकली बताना, लॉजिक लगा के। मैं फिर कह रहा हूं लॉजिक लगा के मुझे बताना किसके लागू होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। प्राथमिकता किसे दी, प्राथमिकता किसे दी? लोकसभा को दी ना, तो बिल्कुल किसके नियम लागू होंगे, बिल्कुल सही बात है, लोकसभा। वेरी गुड, लोकसभा। सब कुछ क्लियर हो गया ज्वाइंट सिटिंग का, आगे बढ़ जाऊं? गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। सब कुछ क्लियर हो गया ज्वाइंट सिटिंग का, आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो यह सारी बातें हो गई। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का भी हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं, अब देखिए क्या होता है हर साल। वेरी गुड, बस ना ये लॉजिक बिठा लिया करो, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यार लॉजिकल बात है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो स्पीकर है लोकसभा का, मैं स्पीकर ऑफ लोकसभा को यह अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो अध्यक्षता कर ले, तो फिर नियम भी तो मुझे लोकसभा के लगाने पड़ेंगे क्योंकि प्राथमिकता लोकसभा की हो गई। बस वो लॉजिक बिठाया करो, काम हो जाएगा। लाइक्स की संख्या कम है, मैंने अभी आपसे बोला था, और देखो फिर भी लाइक्स की संख्या कम है। चलिए बहुत, कोई बात नहीं, मत कीजिएगा लाइक। अगर पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल लाइक मत कीजिएगा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब आ जाते हैं पार्लियामेंट के सेशंस पर। देखिए हर साल जो पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है, याद रखिएगा मेरी बात को, हर साल की बात कर रहा हूं मैं, एवरी ईयर पार्लियामेंट का जो पहला सेशन होता है, प्लस जब हमारी नई लोकसभा चुनकर आती है, जब हमारी नई लोकसभा चुनकर आती है उसका पहला सेशन, मैं दो प्रथम सत्र की बात कर रहा हूं, दो फर्स्ट सेशन की, एक साल का प्रथम सत्र, फर्स्ट सेशन एवरी ईयर, दूसरा मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट सेशन आफ्टर अ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, जब एक नई लोकसभा चुनकर आती है। मैं ये दो बातें कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। इन दोनों सत्रों को एड्रेस कौन करता है, संबोधित कौन करता है, वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आई मेरी बात? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साल का पहला सत्र,
साल का पहला सत्र प्लस नई लोकसभा चुनकर आती है उसका पहला सत्र, इन दोनों को संबोधित कौन करता है, इन दोनों को एड्रेस कौन करता है, वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। सो ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा के आम चुनाव की बात हो रही है। फर्स्ट सेशन ईच ईयर, हर साल जो पहला सत्र होता उसको, और आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता उसे संबोधित करता है भारत के राष्ट्रपति। क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं। फिर यहां तक सब क्लियर हो गया तो आगे बढ़ रहे हैं। प्लस हमारी जो राज्यसभा है, भाई पहले तो क्या हुआ करता था, पहले तो लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य हुआ करते थे, पहले लोकसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे, दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब लोकसभा में कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, मनोनीत सदस्य नहीं है, लेकिन हमारी जो राज्यसभा है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर है 12 मेंबर। याद रखिएगा, लोकसभा में पहले नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, मनोनीत सदस्य हुआ करते थे, आज की तारीख में नहीं होते हैं। आज की तारीख में केवल मनोनीत सदस्य कहां है, केवल नॉमिनेटेड मेंबर कहां है, वो है हमारी राज्यसभा में। कितने मेंबर हैं? 12 मेंबर हैं। इन 12 मेंबर को नॉमिनेट कौन करता है, मनोनीत कौन करता है, वो भी करते हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, इन 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, नॉमिनेट कौन करता है, वो भी करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अब ये 12 सदस्य कहां कहां से हो सकते हैं, ये 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जा रहे हैं ये कौन कौन सी फील्ड से हो सकते हैं? तो बच्चों ये 4 फील्ड से हो सकते हैं, लिटरेचर, आर्ट, साइंस या सोशल वर्क। ठीक है, साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा। तो हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा में 4 फील्ड के मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, टोटल 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। कौन कौन सी 4 फील्ड है? लिटरेचर, साहित्य, आर्ट्स, कला, साइंस, विज्ञान और चौथा है आपका सोशल सर्विस, समाज सेवा। इतनी बात क्लियर हो गई? बोलिए, इतनी बात क्लियर हो गई? जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई? जल्दी जल्दी बता दो, इतनी बात क्लियर हो गई? अभी किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा है, क्या ये जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रधानमंत्री की मर्जी से किए जाते हैं? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, जरा मुझे इसका जवाब देना। हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, क्या ये अपनी मर्जी से कोई काम कर सकते हैं? या फिर कोई ऐसा आर्टिकल है जो ये बताता है किसकी सलाह पर काम करेंगे, या फिर संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल है जो ये बताता है कि ये किसकी सलाह पे काम करेंगे, ये बता दीजिए मुझे। बताओ, बताइए, क्या संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल है जो ये बताता है कि भाई वो किसकी सलाह पे काम करेंगे या वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, बता दीजिए। तो सुरुचि जी, आप ही का सवाल था मेरे बच्चे, अब आप जवाब दे दो इसका जरा। अगर आप ही का सवाल है तो मैं चाहूंगा आप ही जवाब दे दीजिए। मैंने पहले भी कहा है, मुझसे सवाल पूछने से पहले खुद से सवाल कर लिया करो, खुद से सवाल करने के बाद अगर जवाब नहीं मिले तो मुझसे जरूर पूछो, लेकिन अगर खुद से जवाब ढूंढ सकते हो तो खुद ढूंढो जवाब को। अगर आप ये सोच रहे हो छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल भी अंकित सर बता देंगे, तो मेरी एक बात याद रखना, आप मेरे कंधे पर रख के बंदूक अगर चलाओगे तो आपका कंधा मजबूत नहीं होगा। कल भी ये बात समझा चुका हूं, आज फिर ये समझा रहा हूं। अगर आप ये चाहते हो छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल भी मैं आपको बता दूं, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। एग्जाम आपका है, क्लियर आपको करना है, समझ आप में होनी चाहिए, मुझ में नहीं। तो खुद से सवाल कीजिए, जब ना मिले जवाब तो मुझसे कर लो। ये बच्चों वाला सवाल है यार, राष्ट्रपति किसके सलाह पर काम करते हैं, अनुच्छेद 74 कहता है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कौन बताएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताएंगे। जो बच्चा ये कह रहा है सचिन तेंदुलकर क्या समाज सेवी थे, अरे भैया क्रिकेट खेलना अपने आप में कला मानी जाती है, आर्ट होती है, स्पोर्ट्स इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। ऐसा थोड़ी है कि कोई गायक है वही कलाकार होगा, ऐसा थोड़ी है कोई पेंटिंग करता वही कलाकार होगा। मेरे भाई देश के सबसे बड़े कलाकार थे सचिन तेंदुलकर,
देश की उम्मीद टिकी होती थी उस कलाकार पे, आपको पता नहीं है, अभी आप यंग बच्चे हैं, आप तो कोहली के जमाने के बालक हैं, मैं आपको बता देता हूं, सचिन तेंदुलकर वो शख्सियत रहे हैं। ये कहा जाता है ट्रेनें रोक दी जाती थी जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करने आते थे शूटिंग रोक दी जाती थी कि सचिन खेल रहा है, जब तक सचिन टिका है तब तक इंडिया जीतेगा, अगर सचिन आउट हो गया तो टीवी बंद हो जाते थे। मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूं, मेरे भाई सचिन का जिक्र क्या कर रहे हैं आप, सचिन तेंदुलकर बहुत महान हस्ती है यार, छोड़ो सचिन तेंदुलकर की बात है, वापिस आने दो मुझे। अगर सचिन के बारे में मैं बात करने लग जाऊंगा, सचिन इज एन इमोशन, वो एक इमोशन है, अगर मैं उनके बारे में बात करूंगा तो सेशन ऐसे खत्म हो जाएगा, वापिस आने दो मुझे। चलो भाई, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। कौन करता है मनोनीत? राष्ट्रपति करते हैं मनोनीत। कितनी फील्ड से होते हैं? 4 फील्ड से हो सकते हैं, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल वर्क। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात समझानी है, अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात समझानी है, इसे थोड़ा सा गौर से सुनना। देखो होता क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मैं बात करता हूं, एक साथ बात कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, एक साथ बात कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करते हैं। कौन करता है? स्पीकर करते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? चेयरमैन करते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? चेयरमैन करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ठीक हो गई बात। अगर लोकसभा में स्पीकर मौजूद नहीं है तो अध्यक्षता कौन करेगा? अगर लोकसभा में स्पीकर मौजूद नहीं है तो अध्यक्षता कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। बोलिए बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? अगर लोकसभा में अध्यक्ष है तो कौन करेगा लोकसभा की अध्यक्षता? स्पीकर करेंगे। नहीं है तो कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर करेंगे। राज्यसभा में चेयरपर्सन करेंगे। अगर चेयरमैन नहीं है, अगर चेयरमैन नहीं है तो कौन करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन। भाई डेप्टी चेयरमैन कर लेंगे, सही बात हो गई, सही बात हो गई। अब अगर, अब गौर से सुनना बात को, ना तो सदन में स्पीकर है, ना तो सदन में स्पीकर है, ना ही डिप्टी स्पीकर है, अब कौन करेगा अध्यक्षता? ना तो स्पीकर है ना डिप्टी स्पीकर है, अब कौन करेगा अध्यक्षता? इसके लिए भी प्रावधान है, इसके लिए भी प्रोविजन है। अब देखना प्रोविजन क्या है, अब जरा गौर से सुनना इस बात को, प्रावधान क्या है। लोकसभा में लोकसभा के सभापति स्पीकर वो क्या करते हैं, वो लोकसभा के सदस्यों में से अधिकतम 10 सदस्यों को, वो क्या करते हैं, वो लोकसभा के मेंबर में से अधिकतम मैक्सिमम 10 मेंबर्स को पैनल ऑफ चेयरपर्सन में नॉमिनेट कर देते हैं। एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया जाता है, ठीक है। अरे शीतल जी, भैया जो मैं कह रहा हूं वो सुन लो, अपनी अपनी मत गाओ, अभी जो मैं समझा रहा हूं वो समझ लो, फिर नहीं समझ पाओगे, अभी अपनी अपनी मत गाओ, आप लोगों को नहीं पता जो मैं समझा रहा हूं, प्लीज उसे समझिए। स्पीकर क्या करते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से अधिकतम मैक्सिमम 10 मेंबर का एक पैनल बना देते हैं, जिसे कहा जाता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन। अगर सदन में स्पीकर नहीं है या फिर स्पीकर के बाद डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो क्या होता है, इस पैनल ऑफ चेयरपर्सन का कोई भी एक सदस्य अध्यक्षता कर सकता है। बोलो, बात क्लियर हुई? बात क्लियर हो गई? तो भैया अभी अपनी अपनी मत गाओ, जो मैं समझा रहा हूं इसे समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीकर, स्पीकर मौजूद नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, वो भी नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया जाएगा जिसमें कितने मेंबर होंगे? अधिकतम 10 मेंबर, अधिकतम, इससे कम भी हो सकते हैं, ये मैक्सिमम है,
ये मैक्सिमम है, इससे कम भी हो सकते हैं, ये मैक्सिमम है अधिकतम। तो जब वो नहीं होंगे तो कौन करेगा, इनमें से कोई सदस्य कर लेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सिमिलरली राज्यसभा में भी यही होता है, यहां पर बनाया जाता है एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, इसको नॉमिनेट कौन करेगा, इसको नॉमिनेट कौन करेगा। अगर लोकसभा में पैनल ऑफ चेयरपर्सन में मेंबर्स को नॉमिनेट स्पीकर ने किया था, तो राज्यसभा में पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन पे मैक्सिमम 10 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करेगा, चेयरपर्सन करेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा में बनाया जाता है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, कितने मेंबर हो सकते हैं, अधिकतम 10 मेंबर हो सकते हैं। अगर चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन दोनों ही सभा में मौजूद नहीं है, दोनों ही राज्यसभा में मौजूद नहीं है, अध्यक्षता कौन करेगा, इनमें से कोई भी एक कर लेगा। अब बोलो यहां तक बात क्लियर हुई, बोलो यहां तक बात क्लियर हुई, जल्दी बताओ यहां तक बात क्लियर हो गई, जल्दी जल्दी बता दो मुझे यहां तक बात क्लियर हो गई। तो राज्यसभा में बनाया जाता है एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन है वो कर लेंगे अध्यक्षता, नहीं है डेप्टी चेयरपर्सन कर लेंगे, वो भी नहीं है तो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन कर देगा। क्लियर हुई बात इतनी, जल्दी जल्दी बताते रहो मुझे, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो एक बात और बताता हूं मैं, यहां तक सब क्लियर हो गया, यहां तक सब क्लियर हो गया, तो एक बात और सुनो मेरी, एक बात और सुनो। पैनल ऑफ चेयरपर्सन और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में भी कोई मेंबर मौजूद नहीं है तो कौन करेगा, हाँ भाई, पैनल ऑफ चेयरपर्सन और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन उसका भी अगर कोई मेंबर मौजूद नहीं है तो अध्यक्षता कौन करेगा, यह बताओ। ना तो स्पीकर है, ना डिप्टी स्पीकर है, ना पैनल ऑफ चेयरपर्सन का कोई मेंबर है, अब कौन लोकसभा की अध्यक्षता करेगा यह बताओ मुझे, जल्दी बताओ। हाँ भाई, कोई भी नहीं है, अब कौन करेगा अध्यक्षता। ऐसे में क्या होता है, हाउस, सदन, हाउस, सदन अपने में से किसी एक मेंबर को नॉमिनेट कर देता है और फिर वो अध्यक्षता करता है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। हाउस अपने में से किसी एक मेंबर को नॉमिनेट कर लेता है और वो अध्यक्षता करते हैं। बोलो बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले स्पीकर, स्पीकर नहीं है तो डेप्टी स्पीकर, वो नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उसमें से भी अगर कोई नहीं है तो क्या होता है, सदन, हाउस अपने में से किसी एक को नॉमिनेट कर देता है और वो अध्यक्षता करते हैं। बात क्लियर, बात क्लियर आई, बात समझ में आई, बात समझ में, बोलिए आ गई बात समझ में, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और समझ लेना, एक छोटी सी बात और रह गई है। ठीक है, ये अमन कुमार जी एक बात बताओ मेरे भैया, ये कोई, मैं फारसी में बोल रहा हूं, स्पेनिश है ये, अरेबिक है ये, फ्रेंच है ये, मेरे भाई मेरे हिसाब से तो यही हिंदी भाषा होती है। अब पता नहीं आप कौन सी हिंदी की अपेक्षा कर रहे हैं मुझसे, सर हिंदी में बताया करो, मेरे हिसाब से तो भैया इसे ही हिंदी कहा जाता है, आपकी हिंदी पता नहीं कौन सी, आप हो सकता है तमिल भाषा को हिंदी मान रहे हो, भाई यही होती है हिंदी मेरे हिसाब से तो, मतलब जबरदस्ती की बातें हिंदी में बताया करिए। भैया कौन सी भाषा में बता रहा हूँ, हिंदी में ही बता रहा हूँ, राज्यसभा को राज्यसभा कह रहा हूँ, अध्यक्ष को अध्यक्ष कह रहा हूं, फिर भी बताओ कैसी कैसी डिमांड है। अब एक और बात समझना, देखो एक तो बात यह होती है, एक तो बात यह होती है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर, डेप्टी स्पीकर हाउस में मौजूद ना हो। ठीक है, एक बात तो यह होती है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सदन में मौजूद ही ना हो, एक तो यह बात होती है। दूसरी होती है, दूसरी होती है इनका पद खाली पड़ा हो, वेकेंट। देखो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, उस अंतर को गौर से समझना, ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं, एक तो यह बात है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन में मौजूद नहीं है, दूसरी ये बात है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का
पद खाली पड़ा है, इट इज वेकेंट। दोनों में अंतर समझ में आया? बोलिए, दोनों में अंतर समझ में आया? बोलो, दोनों में अंतर समझ में आया? एक तो यह है वो सदन में मौजूद नहीं है, दूसरा यह है कि उनका पद खाली पड़ा है, इस टाइम उस पद पर कोई बैठा ही नहीं है। दोनों में अंतर क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। अंतर क्लियर हो गया दोनों में? अंतर क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अगर अंतर क्लियर हो गया, अब मेरी बात समझना। अगर अगर हमारे स्पीकर, हमारे डिप्टी स्पीकर या फिर राज्यसभा में हमारे चेयरमैन, हमारे वाइस चेयरमैन, अगर इनके पद खाली पड़े हैं, उस परिस्थिति में जो पैनल बना था, याद है पैनल, अभी समझा था हमने, लोकसभा में पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है, राज्यसभा में पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होता है, जिसमें 10 मेंबर को नॉमिनेट कर दिया जाता है, वो वाला पैनल, अगर हमारे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा है, तो फिर इस पैनल का कोई मेंबर अध्यक्षता नहीं कर पाएगा, ना ही सदन को यह मौका मिलेगा कि सदन अपने में से किसी सदस्य को मनोनीत कर दे, नॉमिनेट कर दे और वो अध्यक्षता कर ले, फिर वो भी नहीं हो सकता। याद रखना, अगर वेकेंट पड़ा है, अगर पद खाली पड़ा है, ऐसी परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या करते हैं, सदन के किसी एक सदस्य को नॉमिनेट कर देते हैं और यह सदस्य अध्यक्षता करता है। अब बोलो सारी बातें क्लियर हो गई तो? अब बोलो सारी बातें क्लियर हो गई तो? तो अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा है, वेकेंट है, ऐसे ही राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का पद वेकेंट है, खाली पड़ा है, ऐसी परिस्थिति में पैनल ऑफ चेयरपर्सन कोई अध्यक्ष नहीं कर पाएगा। कौन करेगा अध्यक्षता? भारत के राष्ट्रपति सदन के किसी सदस्य को नॉमिनेट करेंगे, मनोनीत करेंगे, वो अध्यक्षता करेगा। बोलो बात क्लियर हुई? बोलो बात क्लियर हो गई? पक्की बात? पक्की बात? भूलोगे तो नहीं? पक्की बात है? भूलोगे तो नहीं? पक्की बात? चलो फिर। अच्छा, अभी अभी बचा है, अभी सेशन आगे भी चलेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, और बात बताना नहीं चाहूंगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जाइएगा मत, सेशन कंटिन्यू होगा, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बहुत स्पेशल आपके लिए लेकर आया हूं, तो मैं वो आपको बता देता हूं। मैंने आपसे कहा था मेरी तरफ से जितना हो सकता है, देखो भाई, मेरी एक टीचर के तौर पर जितनी क्षमता है उतना मैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज मैंने कुछ बात की थी और इसीलिए 5 मिनट लेट था, वो जो 5 मिनट लेट था इसी वजह से था, मैं आपको दिखा देता हूं। भाई, हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम का नया बैच तो आया ही है, आपको पता है, नया बैच तो आया है, आपको पता, मॉर्निंग बैच, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि हमारा महापैक भी है, और महापैक मैंने आपको कई बार बताया है, महापैक जो है उसमें सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं। ये जो सुबह मॉर्निंग वाला नया बैच आया है हमारा, जो 7 बजे से 9 बजे तक सुबह चलाया जाएगा, वो भी इसमें जुड़ जाएगा। ये बैच जो है आम तौर पर, अगर आप मेरा कूपन कोड भी लगा लेते हो, तो ये बैच आपको मिलता है 14,200 रुपए का। कितने का? 14,200 रुपए का। लेकिन आज सिर्फ कुछ घंटों के लिए, ठीक है, आज सिर्फ कुछ घंटों के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। कूपन कोड अप्लाई कर देना, जरा कूपन कोड बता दो यार, कूपन कोड में मेरी हेल्प कर दो। विनय कुमार जी, आप होने वाले हैं चैनल पर ब्लॉक, थोड़ा रुक जाइए, मैं अभी आपको ब्लॉक करूंगा, चिंता। चलिए पहले आपको ब्लॉक ही कर देता हूं। धन्यवाद, आप क्लास में आए। चलिए भाई विनय कुमार जी, अच्छा लगा आप क्लास में आए, अब आप हो जाएंगे ब्लॉक, धन्यवाद। चलिए, हाँ भाई, जरा कूपन कोड बता दो क्या है, मेरी हेल्प कर दो। Y365Y365, ठीक है, Y365Y365। ठीक, कितने का मिलता है? यह मिलता है लगभग 14,700, और 14,700 नहीं, 14,200 का पड़ जाता है, 14,200 का पड़ जाता है, ठीक है। अगले कुछ घंटों तक, अगले कुछ घंटों तक यह बैच जो है, यह बैच आपको महापैक की बात कर रहा हूं, यह
9,999 रुपए में मिल जाएगा कूपन कोड लगा के। Y365 जब आप अप्लाई करोगे ये आपको 9,999 रुपए में मिल जाएगा। और इसीलिए 5 मिनट लेट हुआ था, वहीं पर लगा हुआ था। मैंने कहा भैया बच्चे मैसेज करते हैं महापैक लेना चाहते हैं, क्योंकि महापैक का एडवांटेज होता है, उन्हें समझ में आ गई है बात, तो वो चाहते हैं प्री का भी बैच मिल जाए, मेंस का भी बैच मिल जाए, जीएस का आंसर राइटिंग भी मिल जाए, फाउंडेशन भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, उसके लिए महापैक लिया जाता है। तो 14,200 का पड़ता था, 14,200 का नहीं 9,999 का पड़ेगा कूपन कोड, Y365 ही रहेगा। अप्लाई कर लीजिएगा जो जो परचेस करना चाहता भैया आप। और हाँ, कूपन कोड लगेगा Y365S, मैं आपको दिखा देता हूं Y365S, इसमें S जोड़ लेना, ठीक है। ये देखो, अरे भैया और सस्ता, और सस्ता हो गया, 9,600 रुपए का हो गया Y365S लगाकर। धन्यवाद अड्डा वालों को, धन्यवाद अड्डा वालों को कि उन्होंने मेरी गुजारिश सुन ली, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट जो है वो सुन ली, और ये बैच जो है 9,600। अब देखिए ये सिर्फ अगले 4-5 घंटे तक रहेगा, शाम की जो मेरी क्लास होती है आंसर राइटिंग की, उसके बाद तक रहेगा आई थिंक, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो जो जो बच्चा बैच परचेज करना चाहता भाई, इससे कम में महापैक नहीं मिल पाता। तो बड़ी मुश्किल से अभिषेक सर से हमने रिक्वेस्ट की, ठीक है लीजिए भैया, ऐप पर अगर आप लेंगे तो 9,000 का हो जाए। सर मुझे लग रहा है ये तैयार, मतलब इतने सस्ते में अगर हम जाते थे अपने टाइम में तैयारी करने, तो इतने सस्ते में मुझे लग रहा है किताबें भी नहीं देता था कोई हमें, टेस्ट सीरीज सर अब तो टेस्ट सीरीज भी मतलब है नहीं। 9,000 रुपए में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा महापैक। यहाँ पर प्री मेंस के जितने फाउंडेशन बैच है वो मिल जाएंगे, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, सब कुछ हो जाएगा। जो हमारे नए बैचेज आ रहे हैं, अभी फाउंडेशन बैच आपको दिखाया था, वो भी इसमें जुड़ जाएगा, और ये सब आपको मिल जाएगा। ईएमआई से अगर आप पे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगी, डेबिट कार्ड के थ्रू नहीं होगी, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो सकती है। और यार 9,000 रुपए का मिल रहा भाई, इससे सस्ता नहीं हो पाएगा, बता दिया है, महापैक है, एक बार ले लोगे साल भर की छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद कोई बैच नहीं परचेस करना, सब इसमें जुड़ जाएगा, टेस्ट सीरीज भी जुड़ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, 3 तारीख वाला बैच भी इसमें मिल जाएगा, सब बता दिया ने, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब, तो भाई देखो याद रखना, फिर आप लोग ना मुझे बाद में मैसेज करते हो कि अंकित सर ये वाला बैच लेना था, देख लो अगर कुछ हो जाए करवा दो, ठीक है। फिर आप लोग बाद में मुझे मैसेज करते हो अंकित सर कुछ करवा दो, कुछ हो जाए थोड़ा कम करवा दो। भाई देखो मैं लगा रहता हूँ, मैं अपनी तरफ से भी लगा रहता हूँ, मैं बात करता रहता हूँ कि नहीं सर बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं अफोर्ड नहीं कर पा रहे, थोड़ी हेल्प कर दो, बढ़िया हो जाएगा उनके लिए। सुन लेते हैं मेरी बात, आपकी वजह से ही, क्योंकि आप इतना सपोर्ट दिखाते हो, आप इतना प्यार दिखाते हो, तो सुन लेते हैं मेरी बात। तो आज सुन ली है कि भाई जो हमारा महापैक है वो आपको 9,000 रुपए में मिल जाएगा, केवल 9,000 रुपए में। Y365S लगाना, बस Y365S लगा लेना, 9,000 रुपए में वो मिल जाएगा। और 9,000 रुपए के बाद आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, प्रीलिम्स मेंस आंसर राइटिंग एसे राइटिंग फाउंडेशन बैच, मॉर्निंग वाला हो चाहे इवनिंग वाला हो, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अब बात कर लेते हैं, जहां छोड़ा था आगे बढ़ते हैं। चलो भाई हम बात कर रहे थे, अच्छा ये सब पता लग गया कि अगर स्पीकर हैं तो स्पीकर अध्यक्षता करेंगे, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो कौन करेगा, पैनल ऑफ चेयरपर्सन का कोई मेंबर कर लेगा। अगर वो भी नहीं है तो सदन क्या करता है, सदन अपने में से किसी एक मेंबर को नॉमिनेट कर देता है, वो अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा है, अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा है, वेकेंट पड़ा है, उस परिस्थिति में पैनल ऑफ चेयरपर्सन का कोई मेंबर अध्यक्षता नहीं कर सकता। उस परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति किसी एक मेंबर को, किसी एक सदस्य को नॉमिनेट करते हैं, वो अध्यक्षता करता है। इतना सब याद आ गया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ रहा हूं। ही डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप एक बार लोकसभा के अध्यक्ष मेंबर बन गए, सदस्य बन गए या राज्यसभा के सदस्य बन गए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती। अगर आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं उसके बाद भी आपकी सदस्यता जो है वो रद्द हो सकती है, वो रद्द हो सकती है। उसके लिए कुछ ग्राउंड्स दिए गए, कुछ आधार दिए गए, कहां दिए गए, अनुच्छेद 102 में।
ठीक है, अनुच्छेद 102 में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार अगर आप मेंबर बन गए, एक बार अगर आप सदस्य बन गए तो उसके बाद आपको हटाया नहीं जा सकता, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है यार, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, आपकी अध्यक्षता रद्द, आपकी जो मेंबरशिप है वो रद्द की जा सकती है। उसके लिए आधार है, वो आधार कहां है, वो 102 में दिए गए हैं। अब इस बात पर फैसला कौन करेगा, इस बात पर फैसला कौन करेगा कि आप डिस्क्वालीफाई किए जाएं या नहीं किए जाएं, इस बात पर फैसला करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 102 में जो आधार दिए गए हैं, जो ग्राउंड दिए गए हैं, आपकी मेंबरशिप रद्द करने के जो आधार हैं, उस आधार पर आपकी मेंबरशिप कौन रद्द कर सकता है, वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है, ठीक है, सवाल यह खड़ा होता है कि आपकी जो सदस्यता रद्द करेंगे राष्ट्रपति, क्या वो अपनी मर्जी से करेंगे या किसी से पूछ के करेंगे। आपकी सदस्यता जो वो रद्द करेंगे वो अपनी मर्जी से करेंगे या किसी से पूछ के करेंगे, तो ये याद रखना, वो सलाह लेते हैं, किसकी सलाह लेते हैं, इलेक्शन कमीशन की। किसकी सलाह लेते हैं, इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग, ठीक है। वो चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग से सलाह लेते हैं, चुनाव आयोग जो सलाह देता है वो उसके अनुसार ही निर्णय लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर किसी सदस्य की सदस्यता रद्द करनी है, इसकी शक्ति किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। क्या वो खुद फैसला लेते हैं, नहीं, वो चुनाव आयोग से पूछकर फैसला लेते हैं, इलेक्शन कमीशन से पूछकर डिसीजन लेते हैं। चुनाव आयोग जो कहता है वो वैसा ही करते हैं। चुनाव आयोग अगर यह कहेगा रद्द कर दो सदस्यता तो रद्द कर देंगे, चुनाव आयोग अगर यह कहेगा नहीं कर सकते सदस्यता रद्द तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, चुनाव आयोग से पूछकर करते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है, क्लियर हो गई बात। क्या वो नॉमिनेटेड पर्सन दोनों हाउस की अध्यक्षता कर सकता, क्या वो नॉमिनेटेड भैया, वो नॉमिनेटेड पर्सन दोनों हाउस की अध्यक्षता कैसे करेगा। चलिए नहीं आनंद जी, यहां पर प्रधानमंत्री का रोल नहीं होता, यहां पर चुनाव आयोग का रोल होता है। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा है, राष्ट्रपति जिसे मनोनीत कर रहा है, जिसे नॉमिनेट कर रहा है, वो दोनों हाउस की अध्यक्षता कर सकता है। मेरे भाई जरा मुझे ये बताओ, मुझे जरा ये बताओ, लोकसभा के अध्यक्ष क्या राज्यसभा में जाके उसकी अध्यक्षता करते हैं, या राज्यसभा के अध्यक्ष कभी लोकसभा में आके उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रपति ने अगर लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए किसी को नॉमिनेट किया है, क्या वो राज्यसभा में जाके उसकी अध्यक्षता कर पाएगा। जरा सोच के बताओ मुझे, जरा सोच के बताओ मुझे, क्या कभी लोकसभा के स्पीकर राज्यसभा में जाकर रहे कहते हैं नहीं मैं तुम्हारी अध्यक्षता करूंगा, या राज्यसभा के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वो आके कह दे लोकसभा में कि नहीं मैं अध्यक्षता करूंगा, क्या ऐसा होता है, नहीं होता ना। तो अगर लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए किसी को नॉमिनेट किया राष्ट्रपति ने तो वो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, अगर राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए किसी को नॉमिनेट किया वो राज्यसभा की करेगा। बोलो बात क्लियर हुई, बोलिए बात क्लियर हुई। अब देखिए गौरव शुक्ला जी का सवाल आया है, सर क्या ये बाध्यकारी है। भाई मुझे लगता है आप लोग जो है ना थोड़े एब्सेंट माइंडेड क्लास में बैठते हो, आप लोग मुझे लगता है थोड़े एब्सेंट माइंडेड बैठते हो कुछ बच्चे क्लास में। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ गौरव जी, जब ऐसा सवाल पूछा जाता ना मुझे लगता है इतनी मेहनत जो की ना एक घंटे में सारी पानी कर दी इन्होंने सवाल पूछ के। जरा मुझे एक बात बताओ यार, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने क्या कहा, जरा सोचो। मैंने ये कहा अनुच्छेद 102 के अंतर्गत निर्णय कौन लेगा, भारत के राष्ट्रपति लेंगे, भारत के राष्ट्रपति लेंगे। राष्ट्रपति ये निर्णय लेने से पहले किससे पूछेंगे, वो पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से। अब गौर से सुनना मैंने क्या कहा था, गौर से सुनना, मैंने कहा था अगर चुनाव आयोग कहेगा हटा दो तो हटा देंगे, अगर चुनाव आयोग कहेगा नहीं हटा सकते तो नहीं हटा सकते। अब आप बताओ बाध्यकारी हुई ये बात या नहीं हुई। बताओ, अब आप बताओ क्या बाध्यकारी होगी या नहीं होगी। मैंने क्या कहा, अगर वो कहेंगे हटा दो तो हटा सकते हैं, अगर वो कहेंगे नहीं हटाओगे तो नहीं हटा सकते। अब बताओ बाध्यकारी हुई या नहीं हुई।
गौर से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, एक एक वर्ड में जवाब छुपा है, मैं इसीलिए कह रहा हूं गौर से सुनो बात को। और इसीलिए मैं कहता हूं इधर उधर की बातें मत किया करो, क्लास में फोकस से बैठा करो, सबका जवाब मिलेगा आपको। बोलो बोलो, बाध्यकारी हुई या नहीं हुई? बिल्कुल सही बात है। बस एक एक सवाल का जवाब छुपा हुआ है जो बता रहा हूं यार, बहुत बारीकी से बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग खुला खुला रख के सोचो, सबका जवाब मिल जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यस, बाध्यकारी है, बिल्कुल सही बात। देखो इसीलिए कहता हूं एक एक वर्ड पे गौर करो, बहुत इंपॉर्टेंट, सबका जवाब मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो आपकी लोकसभा, आपकी राज्यसभा, यहां तो बहुत सारे बिल आते रहते हैं, लोकसभा में बहुत सारे बिल आते रहते हैं, राज्यसभा में बहुत सारे बिल आते रहते हैं ना, बिल तो बहुत सारे आते रहते हैं। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन्हें सदन में लाने से पहले आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, प्रायर रिकमेंडेशन हम इसे कहते हैं इंग्लिश में। बिल तो बहुत सारे आते रहते हैं लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन्हें सदन में लाने से पहले आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, प्रायर रिकमेंडेशन। जैसे आपको याद होगा, याद करो, हमने आर्टिकल 3 पढ़ा था, हमने अनुच्छेद 3 पढ़ा था। अनुच्छेद 3 में हमने क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत की संसद क्या कर सकती है? भारत की संसद जितने राज्य हैं उनका नाम, उनका एरिया, क्षेत्रफल जिसे कहा जाता है, उनकी बाउंड्री, सीमा, उसको बदल सकती है। लेकिन हमने वहां पर यह भी पढ़ा था, ऐसे बिल को सदन में रखवाने से पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं, आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, और राष्ट्रपति इस बिल को भेजते हैं राज्य की विधायिका के पास, और राज्य की विधायिका अपना ओपिनियन देती है। तो ऐसे बिल को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। मनी बिल को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले, मनी बिल को लोकसभा में लाने से पहले किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। होता है ना, सारी बातें पढ़ी थी। तो कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन्हें लोकसभा या राज्यसभा में लाने से पहले आपको पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, किसकी? भारत के राष्ट्रपति की। बोले, बात क्लियर हो गई? बोलो, बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? और देखो मैं इसीलिए कहता हूं, जब क्लास में बैठो तो फोकस के साथ बैठो। मैं आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मैं जब सवाल पूछो तभी जवाब दूं। आपके दिमाग में जो सवाल आएगा उससे पहले मैं जवाब दे चुका हूं, लेकिन अगर आप गौर से सुनोगे ना बात को तो आपको पता लगेगा। और हमेशा कोशिश करो कि जवाब खुद से मिले। जिस दिन, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यूपीएससी की तैयारी में, जिस दिन खुद से जवाब मिलने लग गए ना, उस दिन सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां आ जाएगा, यहां। और जिस दिन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां आ जाता है ना, उस दिन ये एग्जाम छोटा लगने लग जाता है। उस दिन ये लगने लग जाता है कि नहीं यार, एग्जाम में जाकर बैठेंगे तो फोड़ डालेंगे इस एग्जाम को। क्यों? वो कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए, वो मजबूत इरादा ही तो चाहिए। वो कब मिलेगा? जब खुद से जवाब खोजने की आदत डालोगे। तो ट्राई करो कि खुद से जवाब खोजो, जिस दिन खुद से मिलेगा उस दिन देखो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, चलो यार, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करवाता हूं, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं। और देखो यहां पर भी मैं पेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं आपके लिए वहीं बैठा हुआ था ऑफिस में, बात कर रहा था अभिषेक सर से कि सर कुछ हो जाए तो। जो महापैक है कुछ घंटों के लिए, देखो 4-5 घंटे के लिए रहेगा ये, उससे ज्यादा मैं नहीं करवा पाऊंगा, 4-5 आवर्स, ठीक है, 4-5 घंटे तक ये होने वाला है। आपको महापैक जो है ये केवल 9,000 रुपये में मिलने वाला है, केवल 9,000 रुपीज में मिलने वाला है। महापैक में आपको सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि भैया अगले 2 साल तक जो भी आपका बैच आएगा, लाइव बैच, उसमें बैठने का मौका मिल जाएगा। जितने हमारे फाउंडेशन बैच आएंगे वो सारे इसमें मिल जाएंगे आपको। जितने हमारे मेंस के आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग के बैच आएंगे वो मिल जाएंगे। जितनी हमारी टेस्ट सीरीज आएगी वो मिल जाएगी। इससे पहले जितने बैचेस हम लेकर आए थे, यूपीएससी की बात कर रहा हूं, यूपीएससी की जितने बैचेस हम लेकर आए थे वो सब आपको इसमें मिलते चले जाएंगे। और एक बार यूपीएससी के लेवल पर पढ़ लिया ना, तो यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, राजस्थान पीसीएस,
उत्तराखंड पीसीएस ये सब छोटा लगने लग जाता है एक बार उस स्तर पे आकर पढ़ लिया, और इसीलिए 9000 रुपए का करवा दिया कि भैया जो जो बच्चा जुड़ना चाहता है, जो जो पढ़ना चाहता है, आप एडमिशन ले सकते हैं। एक बार फिर से दिखा देता हूं। करना क्या है, गूगल पर जाना है, गूगल पर अड्डा 24/7 टाइप करना है, ठीक है, अड्डा 24/7 टाइप करना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आके ऑल कोर्सेज में जाना है, वहां पर यूपीएससी में जाना है, वहां पर यूपीएससी सीएससी में जाना है। यहां पर आ जाएंगे, ये रहे सारे बैचेस जो चल रहे हैं, और ये जो नया बैच आया ना मॉर्निंग वाला फाउंडेशन बैच, सुबह 7 से 9 जिसमें क्लास होगी वो भी उसमें है। इससे पहले जो फाउंडेशन बैच चल रहा था वो भी उसमें, और देखो वो फाउंडेशन बैच गायब हो गया। मैंने एक दिन आपको बताया था आपको कि फाउंडेशन बैच का प्राइस कम कराया था आपके लिए, 7,000-7,500 रुपए के आसपास कराया था, आज भी वही किया मैंने। ये रहा महापैक, 64,000 रुपए का मिलता है आमतौर पर। आज क्या करना है, बाय नाव पर जाना, बाय नाव पर जाने के बाद ये जो पेज ओपन अप होगा यहां पर नीचे की तरफ टाइप करना है Y365S। जब S कोड लगा दोगे, और S मैंने आपको पहले भी बताया था, S का मतलब है स्पेशल, आप लोग हमारे लिए स्पेशल हैं, इसी वजह से स्पेशल डिस्काउंट कराया है। Y365S लगा लेंगे, 64,000 रुपए की चीज जो आमतौर पर मेरे कोड से भी 14,200 की पड़ जाती है, 14,200 की पड़ती है, मेरा कोड भी लगा लेना किसी भी दिन, लगा के देख लेना तो भी, 9,600 रुपए का पड़ जाएगा, 9,000 रुपीज का पड़ जाएगा। करना क्या है, Y365S लगा लेना, Y365S, और अड्डा की ऐप से लेना, अड्डा की ऐप पर आपको और डिस्काउंट मिल जाता है, तब जाकर वो 9,000 रुपए का पड़ेगा। और भाई इसके बाद इससे ज्यादा तो नहीं करा पाऊंगा, बहुत कुछ सुनना भी पड़ जाता है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा डांट देता हूं, आप तो इतना बुरा मान जाते हो कुछ लोग, सोचो मैं कितना सुनता हूं, लेकिन फिर भी करवा देता हूं आपके लिए जितना मेरे बिसात है, जितना मेरे बस की है। तो Y365S लगा सकते हो, 9,000 रुपए में आपको महापैक मिल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं 4-5-6 घंटे के लिए होगा ये, उसके बाद जो है ये खत्म हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं EMI पर लेना, तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है आप क्रेडिट कार्ड से EMI पर ले सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से आप EMI पर ले सकते हैं, डेबिट कार्ड से नहीं हो पाएगा। ठीक, चलो यार आपसे मुलाकात करता हूं आंसर राइटिंग की क्लास में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक बार लाइक जरूर कर देना और एक बार कमेंट करके बता देना आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अरे हाँ, और जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो भी बता देता हूँ, जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है आप क्या कर सकते हैं, ISPCS by Adda 24/7, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद मेंबर्स में जाके मुझे सर्च कर लीजिएगा, मेरा नाम आपको पता है अंकित चौधरी, मुझे सर्च कर लीजिएगा, मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा टेलीग्राम पर कि अंकित सर हम आंसर राइटिंग के इनिशिएटिव पर जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको आंसर राइटिंग वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी ऐड कर दूंगा, वहां पर भी जोड़ दूंगा, ठीक है। ISPCS by Adda 24/7 इसको ज्वाइन करो, मेंबर्स में जाके मुझे सर्च कर लो, हो जाएगा, बैच जो है आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। मनोज जी आप बैच ले लीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं देखूंगा, दो साल के लिए हो जाए, ठीक है, तो परचेज करके मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं देख लूंगा बस। थैंक यू।